दोस्तों मैं हूँ सिटी का छोरा छिचोरा, मैं दिखाऊंगा सिर्फ आपको मस्ती ही मस्ती और लगाऊंगा फन के तड़के। तुम्हारी चाल जो है बहुत मस्तानी है। अरे मैं लौंडे पसंद है यार। ये भाई साहब जो पेड़ है ना, इस पे हवा बढ़ता है। 118 साल से ये इतने ही जवान बने हुए हैं। 100-150 साल और जी लेंगे। भैया ऐसा आप क्या काम करके आए हैं जो मुंह छुपाना पड़ रहा है? हमारे साथ घूमने चलोगे बाइक पे? अरे हमें लौंडे पसंद है यार। लौंडों के साथ घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। हैं? अरे डर क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो यार? हैं? कहाँ जा रहे हो? कितने रुपए देता है ठेकेदार? कितने रुपए देता है? 500 रुपए देता है। हम तुम्हें 1000 रुपए देंगे, मेरे साथ चलो। नो नो जो सर्दी पड़ी है और बार बार जो मौसम है वो चेंज होता रहता है। 118 साल का रिकॉर्ड टूट गया। तो आपका नाम क्या है? सुनील। देखा, सुनील जी ने बताया कि 118 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और 118 साल से ये इतने ही जवान बने हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं, 118 साल मेरी उम्र भी नहीं है यार। तो 118 साल अपनी उम्र नहीं मानते हैं, भले ही आज ये 300 साल के हो चुके हैं। पूरे हमारे साथ सुनील जी मौजूद हैं, 300 साल के पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं मानते नहीं हैं कि 118 साल भी ये पूरे कर पाए, क्योंकि 118 साल से इसी तरीके से बने हुए हैं। तो सर और बाकी कितने एफर्ट्स करने पड़ते हैं? 100-150 साल और जी लेंगे। तो 100-150 साल आप जी लेंगे तो फिर अच्छा। एक बात सुनील जी, हमने सुनी थी, कहीं पढ़ा था आपके बारे में कि बचपन में आपको शौक था कि पड़ोसी घर से आपको मुर्गियां उनकी चुरा लाया करते थे, तो ये बात कितनी सच है? मुर्गियां क्या, मैं तो बकरियां भी चुरा लाता था। बकरियां चुरा लाते थे, लेकिन क्या यही राज है कि पड़ोसी घर से बकरी खाने से आदमी थोड़ा तंदुरुस्त रहता है? खाने पीने पर ध्यान दो, मस्त रहो। तो देखा, सुनील जी का कहना है कि खाने पीने पे ध्यान दो और 300 साल तक लगातार आप देख सकते हैं कि ऐसे ही जवान और तंदुरुस्त और स्फूर्तिदायक बने रहें। यहाँ पे हुआ है, इसमें पैदल जाओ तो डर लगता है, मैं बैठ के चला जाऊँ? हुआ? हाँ मुझे तो डर लग रहा है यार। क्या है, चलो ऐसे चलो। अभी कोई साथ में आया, 2-3 लोग चलो यार, अकेले डर सा लग रहा है यार। बैठ जाऊँ? हाँ भाई, नीचे जाने वाले को ना हुआ काट लेता है। मैं हाथ देखता हूँ, पढ़ाई करता हूँ वैसे, मैं देख के बताऊँ तुम लोग के हाथ चार्ज तो नहीं करते? नहीं चार्ज नहीं करता यार, फ्री में है। तुम दिखाओ अपना। अच्छा, एक है ऊपर एक नीचे है रेखा। तुमने इसका नहीं देखा, इसने तुम्हारा नहीं देखा, भविष्य है यार। तुम लोग के आपस में दोस्त अभी नए बने हो? कल ही कल मिले हो? पता है हर चीज़ ऐसे नहीं मिलती, कोई भी एकदम से अनजान आदमी मिल जाता है ना, तो सतर्क रहने की जरूरत है दोनों को, ठीक है? किसी भी अनजान दोस्ती करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में जानो, पर को कौन है क्या करता है जानने तो क्लास बंक करे। आप इतने स्मार्ट बन के कहाँ जा रहे हैं? अरे दवा लेने जा रहे हैं, स्मार्ट थोड़ी बन। क्या हो गया आपको? वो पेट में थोड़ा गैस बनता है। बाबा रामदेव का चूरन नहीं खाया? नहीं। और कोई गैस का कैप्सूल? गैस का तो दवा बहुत खाएं। खाएं, फर्क नहीं पड़ता? नहीं। तो आपने देखा कि पिछले 200 सालों से बीमार हैं और गैस का कैप्सूल भी खा चुके हैं, तमाम चूर्ण खा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इनको कहीं राहत नहीं मिल रही। तो आप क्या सोच रहे हैं बाबा के? क्या सोचें, बीमार हैं, तबीयत तो खराब रहता है। तो जब आप करीब 250 साल तक आपने तपस्या करी, तब आपने कुछ ऐसी सिद्धि प्राप्त नहीं करी ताकि आप सही हो सकें? Oh, no! ऐसा तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन बहुत जगह इलाज कराए, बहुत दवा खा चुके हैं लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा। बहुत दवा खा चुके हैं लेकिन इनको कोई आराम नहीं हो रहा है। तपस्या भी इन्होंने बहुत करी थी। और बाबा हमने सुना है कि यहाँ पे आप लोगों को ज्ञान देने आए हैं, तो क्या ज्ञान है जो 1000 साल में आपने हिमालय पे तप करके अर्जित किया है और इस समाज को आप देना चाहते हैं? क्या ऐसा ज्ञान है? मैं तो कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, मतलब ज्ञानी नहीं है आप? नहीं। आप नहीं जानते हैं आप कौन है? आप खुद एक परमात्मा का स्वरूप है। अच्छा, यहाँ पे 1000 साल से तपस्या कर रहे थे, आपने बताया कि आप पहाड़ों पे गुफा में रहते थे? नहीं, कहाँ, खुले में ऐसे ही कहीं भी रह जाते थे? गांव में। अच्छा गांव में, मतलब आप सोच सकते हैं कि 1000 साल पहले जो पहाड़ पे गांव बसा था उस पे बाबा रहे थे, और आज भी आप देख सकते हैं ये पृथ्वी पे के इस भाग में प्लेन पे आए जरूर हैं पहाड़ छोड़ के, और इन्होंने वस्त्र भी अपने बदल लिए हैं। इन्होंने नीचे देखें तो इन्होंने चप्पल पहन ली है, शर्ट पहन ली है, पैंट पहन ली है। और बाबा जटाएँ थी आपकी बड़ी बड़ी, वो सब कहाँ गई? तो मुझे क्या पता कहाँ गया, वो सब ब्रह्मलीन हो गया।
तो अब आशीर्वाद देंगे किसी को? हाँ क्यों नहीं देंगे, जो हमारी तरफ से जो बनेगा वो देंगे। अच्छा ये अब आपने इतनी देर इंटरव्यू दिया है तो हमें 10 रुपए दे के जाइए, हम लोग इससे इंटरव्यू लेते हैं उससे 10 रुपए ले लेते हैं। अरे हमारे अरे अरे सुनो, अरे देना पड़ता है टैक्स यार, अरे सुनो तो, अरे प्राइवेट टैक्स हमारा। अरे सुनो मजाक कर रहा है, हाथ तो हिला दो कैमरे में, हाथ तो हिला दो, मजाक कर रहा है। यहाँ हुआ रहता तुम्हें पता है? अरे हवा नहीं होता, हवा पेड़ पे आया था एकदम से, जो पेड़ है ना ऐसे बैठा था सफेद रंग का, बहुत लंबा आत्मा है ऐसी एकदम दोपहर में। तो मतलब क्या होता है हवा? बालक होते, तुम्हारी उम्र कितनी है? अभी दाढ़ी निकल रही है, उम्र तो छोटी लग रही है। कितने बच्चे हो, कितने बड़े हो? सोलह साल के ही हो, कच्ची कली हो गई है तो कच्ची कली में संभल के रहना। दिक्कत ये है हवा है, हवा है ये तो छोटा बच्चा है, थोड़े जो बच्चे के पग गए ना एकदम जवान मुस्तंडे एकदम, उन पे एकदम हवा कूद जाता है गर्मी में दोपहर में, दोपहर में थोड़ा सा चौराहे पे। अरे वापस कहाँ जा रहे हो, जाओ जाओ, अरे इधर चले जाओ भाई। अरे कोई नहीं है, अरे मजाक कर रहे थे, कोई नहीं मेरे भाई। कहाँ जा रहे हो? स्मार्ट बन के काम कर रहे तो स्मार्ट बन के आते हो? हाँ स्मार्ट बन है, बाल आल एकदम काट रखे हैं, बहुत टंच लग रहा है। हवा है यहाँ पे, स्मार्ट लड़के आते हैं एकदम, बोल स्मार्ट लड़के होते हैं उनको दिक्कत करता है, उनको बैठ जाता है ये पेड़ पर, इस वाले पेड़ पे। तो जाना तो साइड से जाना पहली बात तो, और पहली बात कहाँ जाओगे हमारे साथ? चलो 2-3 घंटे घूम लेंगे थोड़ी देर। NTPC? अरे तुम NTPC में क्या रखा है, हमारे साथ चलो घुमा के लाएंगे तुम्हें, क्या करोगे NTPC यार है, कितने स्मार्ट हो यार है। मेरा आज भी पीछे। अरे सुनो तुम लोग NTPC में काम करते हो ना? हाँ। तो आज दोस्त गया अभी, उसको यहाँ पे इस पे ना इस पेड़ के ऊपर हवा बैठता है, जो लड़के जाते हैं उनको एकदम से पीछे छेड़ देता है। मुनुचुआ सुना था वैसे? अरे तुम तो स्मार्ट बन के जा रहे हो यार, तुम्हें जरूर छेड़ेगा यार। सुनो तो अच्छा सारे रुको तो, कहाँ जा रहे हो? मेरे काम के लिए थोड़ा। दोस्तों आप देख रहे थे सिटी का छोरा छिचोरा और मैं आपको दिखा रहा था कुछ चटक चुलबुले। फिर से आपसे होगी मुलाकात अगले हफ्ते, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी नेटवर्क्स।